हेलो दोस्तों, किसी भी कार के इंजन या अदर पार्ट के रिपेयरिंग के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ CRDI सिस्टम के बारे में। CRDI सिस्टम का पूरा फुल फॉर्म है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो दो तरीके के इंजेक्शन सिस्टम हैं हमारे पास डीजल इंजन में। यहाँ पे हम बात करें डीजल इंजन की, एक होता है डायरेक्ट इंजेक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंजेक्शन। इन दोनों के बारे में भी हमने एक अलग वीडियो में बताया है, तो इसको अगर आप देख रहे हैं तो इसे देखने से पहले आप उसे भी ज़रूर देखने की कोशिश करें, वरना ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो उसको ज़रूर देखें। और बाकी CRDI सिस्टम के बारे में आज हमने बात करनी है। तो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम जो है वो यूरो 4 या BS4 की सभी गाड़ियों में ऑलरेडी इंस्टॉल होके आता है। जितनी भी डीजल की गाड़ियां हैं, जैसे कि आप एक टाटा प्राइमा का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, या मारुति स्विफ्ट डिज़ायर का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, या फिर महिंद्रा की स्कॉर्पियो, या कोई भी ऐसी गाड़ी जो यूरो 4 नॉर्म्स के अंतर्गत पास होती है। यूरो 4 यानी यह है एक नॉर्म है, जैसे कि यूरो 3, यूरो 2, यूरो 1 या BS4, BS3, आगे आने वाले टाइम में BS6 भी आएगा जैसा हम सुनते हैं। तो होता क्या है कि जैसे BS4 नॉर्म अब लागू हो गया है, तो BS4 में जो है कम प्रदूषण होता है BS3 के मुकाबले, तो वो प्रदूषण कम करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो हम शुरू से देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास इस समय स्विफ्ट डिज़ायर है, जो कि BS4 गाड़ी है, तो उसमें हम बैठे और हमने चाबी को इग्निशन ऑन किया। इग्निशन ऑन यानी जब हम पहली बार चाबी घुमाते हैं तो बैटरी जो है वो हर अपने जो वायर उससे कनेक्टेड है उसमें करंट फ्लो करना चालू कर देती है। तो वो इग्निशन ऑन की स्विच जब आप दबाते हो, इग्निशन ऑन पे चाबी को घुमाते हो, तो उस समय ये कंडीशन चालू हो जाती है लगना। तो जब ऐसा होता है, जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हो, वैसे ही हमारा ये जो टैंक है, जो कि डीजल टैंक है, उसके अंदर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फीड पंप होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक फीड पंप वैसे ही उसी समय पे जैसे ही इग्निशन ऑन होता है उसको 10 से 12 वोल्ट की सप्लाई मिलना चालू हो जाती है। वो 10 से 12 वोल्ट की सप्लाई उसे प्रोवाइड कराता है ECU। ECU यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है। आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे सभी सिस्टम को यही मॉनिटर करता है, यही सबका बाप है, यही करता धरता है। अगर ECU के अंदर कैसी भी दिक्कत है तो पूरी गाड़ी के अंदर कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर बनी रहेगी। तो ECU का सही होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ECU ही सबको बताता है कि कब काम करना है, कितना काम करना है, कैसे काम करना है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, वैसे ही ECU जो है इसको करंट देना चालू कर देता है यहाँ पे, और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक फीड पंप है वो डीजल टैंक में से डीजल की सप्लाई को आगे प्रोवाइड करता है। कितने प्रेशर पे प्रोवाइड करता है? लगभग 8 से 10 बार। ये हमारा जो डीजल है वो फिल्टर में आ जाता है सबसे पहले। फिल्टर होने के बाद जो है हाई प्रेशर पंप की ओर फ्लो होने लगता है ये। तो ये जो फिल्टर है ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं फ़िल्टर करके डीजल को आगे भेजता है, क्योंकि इस फिल्टर के अंदर जो पेपर यूज़ होता है उसमें 2 माइक्रोन का छोटा छोटा डाया होता है, डायमीटर होता है, छेद होते हैं उसमें, तो इतना छोटा कचरा भी रोकने में वो सक्षम है। तो डीजल को बिल्कुल प्योर करके आगे भेजता है। लेकिन अगर डीजल में मिलावट है मिट्टी के तेल की या केमिकल की, तो उसको वो नहीं रोक पाएगा। उस ऐसी गंदगी के आगे तो सारे फिल्टर फेल हो जाते हैं। तो अगर कोई डस्ट पार्टिकल है तो वो उसे ज़रूर फिल्टर कर देगा, ज़रूर रोकेगा और प्योर डीजल आगे भेजेगा। इस डीजल फिल्टर को पार करने के बाद डीजल जो है हमारा हाई प्रेशर पंप की तरफ चला जाता है। अब इस डीजल फिल्टर में हमारे पास एक हैंड प्राइमर होता है ऊपर की तरफ। जब डीजल लाइन से उतर जाता है तो उसे दबा के हम लाइन को भरते हैं दोबारा। तो वो हैंड प्राइमर का काम क्या होता है कि डीजल फिल्टर से आगे का जितना भी डीजल है उस सबको दोबारा टैंक में ना उतरने देना, क्योंकि जब आप चाबी लगाते हो तो डीजल फिल्टर तक की ये जो लाइन है वो तो समर भर देती है। समर यानी ये इलेक्ट्रॉनिक फीड पंप इस लाइन को भर देता है, लेकिन आगे की लाइन अगर खाली होगी तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से वो हैंड प्राइमर ऊपर की तरफ लगा रहता है।
और कुछ कुछ गाड़ियों में तो ऐसा होता है कि पूरी की पूरी लाइन जो है वो दोबारा से हमारा इलेक्ट्रॉनिक फीड पंप ही भरता है पंप तक, और पंप से आगे तो वो लाइन हमेशा भरी रहेगी। तो अब क्या होता है, ये 8 से 10 bar के प्रेशर पे हाई प्रेशर पंप को जो है डीजल मिल गया। अब ये हाई प्रेशर पंप का क्या काम है? तो हाई प्रेशर पंप जो है वो लो प्रेशर वाले फ्यूल को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। यानी 8 से 10 bar को जो डीजल इसको मिल रहा है 8 से 10 bar के प्रेशर पे, उस प्रेशर को वो 300 से 2000 bar में कन्वर्ट कर देगा। ये हाई प्रेशर पंप केवल जो BS4 सिस्टम का है वो ही कर सकता है, अन्यथा जो BS3 या BS2 के जो पंप हैं वो इतना प्रेशर नहीं जनरेट कर पाते, वो कर पाते हैं 900-1000 तक, और ये जो हाई प्रेशर पंप है वो 300 से 2000 बार तक प्रेशर जनरेट करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक फीड पंप नहीं होता, जैसे कि हमारी महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, उसमें अगर आप देखोगे तो समर नहीं है, तो उसमें फिर ऐसा क्या होता है? तो उसमें हाई प्रेशर पंप पे ये एक असेंबली ऐसी लगी रहती है यहाँ पे पीछे की तरफ, जिसे हम कहते हैं सप्लाई पंप। तो सप्लाई पंप जो है वो डायरेक्टली फिल्टर से कनेक्ट होके और फिर टैंक में लाइन चली आती है। तो जब आप क्रैंक करते हो, इंजन घूमता है, तो उस समय क्या होता है, ये सप्लाई पंप डीजल खींचता है, फिल्टर से फिल्टर होके पंप की तरफ डीजल सप्लाई किया जाता है। तो ये दो तरीके होते हैं टैंक से डीजल को उठाने के। अब जब हाई प्रेशर पंप को डीजल मिल जाता है तो वो अपना काम करना चालू करता है और लो प्रेशर वाले डीजल को आगे की तरफ सप्लाई करता है। तो ये तो स्थिति तब आएगी जब आप क्रैंक करना चालू करोगे। अब आपने क्रैंक करना चालू किया, हाई प्रेशर पंप अपना काम करता है और ये सारा का सारा डीजल एक पाइप में आके भरे आता है। ये पाइप आपको दिख रहा है ऐसा, इस पाइप का नाम है कॉमन रेल। कॉमन रेल का नाम कॉमन प्लस रेल, यानी ये कॉमन है। कॉमन किसके बीच में है? अब मान लीजिए ये 2 सिलेंडर की गाड़ी है, या हम अगर स्विफ्ट डिज़ायर की बात करें तो 4 सिलेंडर की गाड़ी है, तो उसमें 4 इंजेक्टर होंगे, क्योंकि 4 सिलेंडर है तो हर सिलेंडर पे एक इंजेक्टर होगा जो उसमें पिस्टन पे तेल दे रहा होगा। तो वो चारों इंजेक्टरों के लिए, जैसे हमने यहाँ पे 2 इंजेक्टर का एग्ज़ाम्पल लिया है, टाटा एस है उसमें 2 इंजेक्टर होते हैं, तो 2 इंजेक्टरों का एग्ज़ाम्पल लिया है, तो यहाँ पे इन दोनों इंजेक्टर के लिए ये रेल जो है कॉमन है। इसी रेल से इसको भी तेल मिल रहा है, इसी से इसको भी तेल मिल रहा है, पहले को और दूसरे को, दोनों को, तो इसलिए ये कॉमन हो जाती है, इसलिए इसका नाम कॉमन रेल हो जाता है। बाकी जब ये डीजल इसके अंदर आता है, अब ये कॉमन रेल जो है स्टील की बनी होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत मोटी होती है, लेकिन उसके अंदर जो पाइपलाइन है बड़ी पतली होती है, बाकी एरिया पूरा स्टील का होता है, ताकि इतने हाई प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है तो डर लगा रहता है कि फट ना जाए, इसीलिए कहते हैं जब कॉमन रेल वाली गाड़ी चालू हो तो आपको रेल को या पाइप को नहीं छूना है, नहीं तो ऐसा हो सकता है वो पाइप फटे या डीजल आपके हाथ में चला जाए, सड़न मचाए, बहुत दिक्कत आती है फिर। तो ये रेल जो है आम तौर पे इस रेल के दोनों एंड पे, पाइप के दोनों एंड पे 2 सेंसर होते हैं अक्सर। एक सेंसर होता है प्रेशर सेंसर, दूसरा है प्रेशर रेगुलेटर। एक का काम है ECU को ये बताना कि कितना प्रेशर अंदर बन रहा है, दूसरे का काम है उस प्रेशर को रेगुलेट करना। तो देखते हैं आगे होता क्या है। एक बार इसके अंदर तेल आ जाता है तो ये तेल जो है दोनों इंजेक्टरों में भरे आता है। अब दोनों इंजेक्टरों में तेल भर गया, ये कब हो रहा है? जब आप क्रैंक कर रहे हो, तो ये क्रैंक करते समय होता है। तो अब जब आपने क्रैंक किया तो पहले तो तेल इसमें भरा, या हम कह सकते हैं कि अगर भरा भी हुआ है तो पहले क्या होगा, यहाँ से प्रेशर जनरेट होगा और फिर उसके बाद इंजेक्टरों में जाएगा ये प्रेशर। अब इंजेक्टरों के ऊपर ये सेंसर लगे हुए हैं, CRDI गाड़ी में जो इंजेक्टर यूज़ होते हैं उनमें सेंसर लगे रहते हैं, तो ये जो सेंसर लगे हुए हैं ये भी कनेक्टेड रहते हैं ECU से। तो जब तेल इसके अंदर आया, तो तेल जब इसके अंदर भरा, तो प्रेशर सेंसर ने सेंस किया कि इसके अंदर का प्रेशर जो है, मान लीजिए 300 बार तक पहुंच गया है, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट हो रही होती है तो मिनिमम प्रेशर चाहिए होता है 300 बार। तो रेल अच्छा, ये 300 बार का प्रेशर जनरेट कैसे होता है? क्योंकि इस रेल के अंदर जो है
दो लाइन तो आपने ये देख ली जो इंजेक्टर से जुड़ती है, एक लाइन जो है वो लौट रही है टैंक में वापसी के रूप में। यहाँ पे लगा है प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर प्रेशर जनरेट कैसे करता है, जब वो इस वापसी वाली लाइन को ब्लॉक कर देगा, इसमें एक पिस्टन होता है जो आगे पीछे मूव करता है, तो जब वो इस लाइन को ब्लॉक कर देगा वापसी वाली लाइन को, तो उस समय जो है हमारा इसके अंदर प्रेशर जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो जैसे ही प्रेशर जनरेट होना चालू होगा वैसे ही ये सेंस करने लग जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जब ये प्रेशर बनाना चालू करे तभी वो प्रेशर सेंस करेगा। होता क्या है, जब आप क्रैंक कर रहे होते हो तो ECU को पता है कि अब गाड़ी स्टार्ट करनी है, उधर से ऑर्डर आ रहा है, तो वो उतना ही करंट देता है इसे कि 300 बार का प्रेशर जनरेट हो सके मिनिमम। अब इसने इसको करंट दिया, इसने प्रेशर जनरेट करने के लिए जो है पिस्टन मूव किया आगे कि 300 बार का प्रेशर बने। तो जब 300 बार का प्रेशर बन जाएगा, ये हमारा लगातार सेंस कर रहा है कि कितना प्रेशर है, ये ECU को बता देगा कि भाई 300 बार का प्रेशर जनरेट हो गया। तो अब ECU समझ गया है कि भाई मैंने इसको कहा था 300 बार का प्रेशर बना, इसने मुझे बता दिया कि 300 बार का प्रेशर बन रहा है। तो अब क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट भी तो करनी है। गाड़ी स्टार्ट फाइनली कब होगी, जब इंजेक्टर इंजेक्ट करेंगे तेल को। तो फिर ECU ने कहा हाँ भाई सारी कंडीशन नॉर्मल है पहले की, तो अब मैं क्या करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करनी है तो मैं इंजेक्टरों को करंट की सप्लाई देता हूँ। जब गाड़ी स्टार्ट हो रही होती है तो उस समय इंजेक्टरों की जो सप्लाई है, इंजेक्टरों पे करंट की सप्लाई है वो 80 वोल्ट पे होती है। तो 80 वोल्ट भी जो मिलते हैं वो पल्सेटेड होते हैं, वो पल्स वेव जाती है 80 वोल्ट पे, और ये मैक्सिमम वोल्टेज जो हैं 80 वोल्ट ही मिलते हैं इसे, और स्टार्टिंग के वक्त ही मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल स्टार्टिंग में ही लगता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टार्ट होने में लगती है। आप डेड इंजन को अलाइव कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ताकत कंज्यूम होगी। तो वो उतने वोल्टेज पे स्प्रे जब करता है तो सबसे ज़्यादा स्प्रे मिलता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, और तभी इंजन जो है हमारा आग लगती है पिस्टनों पे और इंजन हमारा चालू हो जाता है। उसके बाद ये जो वोल्टेज हैं ये घट के 50 पे आ जाते हैं, 40 पे आ जाते हैं, और फिर वैरी करते हैं। तो एक बार ये सब प्रोसेस हुआ तो हमारी गाड़ी चालू हो गई और खड़ी है। अब ECU ने देखना है कि एक बार तो चालू हो गई, अब आगे किस हिसाब से सप्लाई होगी वोल्टेज की इंजेक्टरों पे। तो अब यहाँ पे रोल में आते हैं हमारे पास क्रैंकशाफ्ट सेंसर और कैम सेंसर। ये फ्लाईव्हील लगा हुआ है, फ्लाईव्हील के ऊपर हमारे पास रहता है क्रैंकशाफ्ट सेंसर, और ये इंजन हेड है, तो हेड में जो हमारे पास कैम होती है उसको सेंस करता है, उसके मोशन को सेंस करता है कैम सेंसर। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न होगा कि यार इसमें टाइमिंग कैसे देखी जाती है ना, क्योंकि मैकेनिकल जो सिस्टम होता है डीजल इंजेक्शन का उसमें तो पंप की टाइमिंग होती है, लेकिन यहाँ पे पंप की कोई टाइमिंग नहीं है। आप कैसी भी रोटेशन पे लेके गरारी को फिट कर दीजिए, एक ही बात है। तो फिर ये कैसे पता लगेगा ECU को कि भाई पहले सिलेंडर में तेल देना है या दूसरे सिलेंडर में तेल देना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इन दोनों सेंसर के मदद से की जाती हैं। तो क्रैंकशाफ्ट सेंसर देखता है कि कौन सा वाला पिस्टन TDC पे पहुंच रहा है, और कैम सेंसर देखता है कौन से सिलेंडर के ऊपर दोनों वॉल्व की पोजीशन बंद है। तो अब मान लीजिए ये कंडीशन आ रही है दूसरे वाले में, तो क्रैंक सेंसर ने फ्लाईव्हील के मोशन की मदद से ये सेंस कर लिया कि दूसरे वाला जो हमारा पिस्टन है वो TDC पे आ चुका है, और कैम सेंसर ने कैम शाफ्ट के रोटेशन की मदद से पता कर लिया कि जो हमारा दूसरे वाला सिलेंडर है उसके दोनों वॉल्व बंद हैं, तो यानी अब फायरिंग इसी पे होनी चाहिए, क्योंकि कंबशन या पावर स्ट्रोक के टाइम में यही कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो जब ऐसा होता है तो ECU को ये दोनों सेंसर जब सारी बातें बता देते हैं, सारे सिग्नल दे देते हैं, तो फिर ECU पूरा निश्चित कर लेता है कि हाँ अब मेरे को दूसरे वाले पे फायर करना है, तो दूसरे इंजेक्टर पे करंट भेजता है। जैसे ही करंट भेजता है उस पर फायर होता है और बहुत ही बढ़िया कंबशन होता है, ऑप्टिमम कंबशन होता है, और फिर उसके बाद जो है ये हमारी पिस्टन जो है उसके ऊपर आग लगती है और क्रैंक जो है रोटेशन में लगातार बनी रहती है। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कितना करंट देना है ये चीज़ जो है, ये सारी बातें इन्हें पता लगती है कहीं ना कहीं सेंसर्स के थ्रू ही। अब कितना करंट देना है, अब जब तक हमने पैडल नहीं दबाया, क्योंकि इसका पैडल जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है और डायरेक्ट ECU से कनेक्टेड रहता है, अब अगर आपने पैडल नहीं दबा रखा है
क्योंकि पैडल सेंसर में जो है एक थ्रॉटल, इसे हम कहते हैं एक्सेलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर। ये जो पैडल पोजीशन सेंसर है वो 0 से 100% तक मूव करता है, यानी 0 और जितना आप प्रेस कर दो कंप्लीट वो 100, तो उस बीच में हर पॉइंट को वो नापता है कि कितना दबाया है और उसी हिसाब से करंट भेजता है इंजेक्टरों के ऊपर। अगर आपने पैडल नहीं दबा रखा है, गाड़ी स्टार्ट कर रखी है, तो इसी को पता है कि इसकी अभी जो है उसने पैडल नहीं दबाया है, तो मैं जो है उतना ही करंट सप्लाई करूँगा इंजेक्टरों के ऊपर कि गाड़ी जो है हमारी आइडलिंग पोजीशन पे बने रहे। आइडलिंग पोजीशन में 800 RPM होते हैं, तो वो फ्लाईव्हील को सेंस कर रहा है कि हाँ जी 800 RPM इसके बने रहें, क्योंकि कितने RPM बन रहे हैं, ठीक है, वो तो फ्लाईव्हील सेंसर ही बताएगा। तो फ्लाईव्हील या क्रैंक सेंसर एक ही बात है, फ्लाईव्हील और क्रैंक सेंसर, तो वो उतना ही करंट इसको मिलता है कि उतनी ही तेल की सप्लाई दूँ पिस्टनों के ऊपर कि 800 RPM बने रहे। और फिर उसके बाद जैसे ऐसे वो पैडल दबता रहता है, जैसे ऐसे पैडल आगे जाता रहता है, उसी हिसाब से उसे करंट मिलता है और उसी हिसाब के RPM लगातार फॉर्म होते रहते हैं, और वैसे ही वो सिग्नल जो है क्रैंक और कैम मिलके आगे ECU को देते हैं और वो पूरा एक जो है अपना प्रोसेस उसी तरीके से चलता रहता है। दिक्कत कब आती है? जब कोई एक सेंसर काम करना छोड़ दे। अब मान लीजिए कि आपने गाड़ी में चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं अब, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। हो सकता है आपके इलेक्ट्रॉनिक फीड पंप में कमी आ गई है, जो 8 से 10 बार तक का प्रेशर नहीं बना रही है या प्रेशर ही नहीं बना रही है। आप लगातार जो है क्रैंक कर रहे हैं लेकिन डीजल लाइन में डीजल ही नहीं है। जब डीजल लाइन में डीजल ही नहीं है तो फिर वो इंजेक्ट क्या करेंगे? जब डीजल ही ख़त्म हो गया, कोई प्रेशर ही नहीं है, तो फिर हवा ही इंजेक्ट होगी और हवा से तो गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं, तो ये भी कमी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पंप में कोई मिस्टेक हो जो इतना प्रेशर नहीं बन रहा है। अब मान लेते हैं कि पंप के अंदर दिक्कत है, तो हाई प्रेशर पंप ने यहाँ पर डीजल दे दिया लेकिन उसमें प्रेशर नहीं है। अब मिनिमम 300 वाट तो चाहिए, तो उसमें प्रेशर नहीं है, तो हमारा ये जो प्रेशर सेंसर है वो सेंस करेगा कि भैया इसके अंदर प्रेशर जो है वो 20 बार बन रहा है, मुझे चाहिए 300 बार, या कह सकते हैं 8 से 10 बार ही बन रहा है, जितना समर प्रेशर दे रही है उतना ही जाके इसमें बन रहा है, उससे ऊपर प्रेशर बन ही नहीं रहा है, 0 से 8 से 10 बार ही बन रहा है, तो ये सिग्नल इस पर चला गया कि भैया नहीं बन रहा है इसके अंदर प्रेशर। तो वो कहेगा यार जब इसके अंदर प्रेशर ही नहीं बन रहा है तो मैं इसको करंट कैसे दे दूँ? और मान लो मैंने अगर करंट दे भी दिया तो वो इंजेक्टर तो हमारे 300 बार पे काम करेंगे, उससे पहले तो वो तेल ही नहीं देंगे उस तरीके से, तो वो कहता मैं इसको करंट नहीं दूंगा। जब इंजेक्टरों पे करंट नहीं आएगा तो आग नहीं लगेगी पिस्टनों पे और इंजन हमारा चालू नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि ये पंप हमारा सही है और इसने 300 बार के प्रेशर पे डीजल दे दिया जो रेल के अंदर भर गया। अब क्योंकि इसने तो पंप ने तो प्रेशर बनाना होता है, पंप तो अपनी पूरी ताकत से डीजल दे रहा होता है, यानी पूरे प्रेशर पे डीजल दे रहा होता है, वो तो पूरा 2000 बार प्रेशर पे डीजल देगा, लेकिन कितना प्रेशर अंदर मेंटेन रखना है, 300 रखना है, 2000 रखना है, वो डिसाइड करता है प्रेशर रेगुलेटर। अब प्रेशर रेगुलेटर मान लो ख़राब हो गया, यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर को ECU ने करंट दिया कि भाई स्टार्टिंग पे 300 बार रहता है तो मैं तुम्हें इतना करंट दूंगा कि अंदर 300 बार का प्रेशर मेंटेन रहे, उसने उसको करंट दिया, लेकिन क्योंकि ये डिवाइस ही ख़राब है तो वो उतना प्रेशर बना ही नहीं पाएगा। अब वो प्रेशर बन रहा है 150 बार, बनना चाहिए था 300 बार, तो वो लगातार अब ये चीज़ जो है हमारा प्रेशर सेंसर इसको बताता रहेगा ECU को। तो जब उसमें स्कैनर लगाएंगे तो वो, अब स्कैनर की बात आ गई है ना, तो अभी देखते हैं स्कैनर लगता कैसे उसमें। अब होगा क्या इस समय कि ये प्रेशर सेंसर बताएगा भैया 150 बार का प्रेशर बन रहा है और ये गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। मान लेते हैं कि ये प्रेशर 300 बनना चाहिए था लेकिन 250 बना और 250 बार पे गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, हमारी गाड़ी 250 बार पे स्टार्ट हो गई, लेकिन जब आप पूरा एक्सेलरेटर दबाएंगे तो गाड़ी में वो पिकअप ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो है हमारा DRV या प्रेशर सेंसर, प्रेशर रेगुलेटर, इसे DRV भी कहते हैं फील्ड में, तो DRV जो है वो उतना प्रेशर बना ही नहीं रही है कि पूरा एक्सेलरेटर दब गया, बनाना चाहिए 2000, बना रहा है 1500, तो गाड़ी में वो पावर ही नहीं आएगी, इंजेक्टरों को वो प्रेशर ही नहीं मिलेगा इंजेक्टरों को, तो उस प्रेशर पे जब कंबर्शन ही नहीं होगा तो हमारा इंजन जो है उतने RPM ही नहीं बना पाएगा। तो क्या होगा? ये चीज़ ECU को पता है कि बनना चाहिए 300, बना रहा है 250 या 150, तो फिर क्या होगा, आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे एक साइन बना आ जाएगा, कुछ इस तरीके का होता है वो साइन,
येलो कलर की लाइट होती है उसे हम कहते हैं चेक इंजन लाइट। अब वो लाइट आ जाएगी तो आप कहोगे यार ये लाइट पहले तो आती नहीं थी, अब आने लग गई है, तो फिर वो जाएगी सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर वाला इसमें लगाएगा स्कैनर, और स्कैनर का मकसद केवल इतना ही होता है कि ECU से बातचीत कर सके। ECU से जब बातचीत करने लग जाता है हमारा स्कैनर, तो हम स्कैनर से पढ़ लेते हैं कि ECU कह रहा है कि लाइन में प्रेशर की कमी है, लो प्रेशर है। अब वो लो प्रेशर इसकी वजह से हो सकता है, DRV की वजह से, पंप की वजह से, या इलेक्ट्रॉनिक फीड पंप की वजह से, या हो सकता है हमारे इंजेक्टरों में कमी आ गई हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन और होती है, यहाँ पे बनी नहीं है वो लाइन, ये लाइन होती है वापसी की। इंजेक्टर के अंदर डीजल आया, उसने इंजेक्ट किया, 10 CC तेल आया और यहाँ से चला गया 8 CC, और बचा जो 2 CC है वो सारा का सारा वापसी में जाके जुड़ आता है। तो वापसी में जब वो जुड़ आता है तो वो सारा का सारा बचा हुआ तेल जो है वो वापसी में टैंक में लौट आता है। तो 3 पोर्ट होते हैं, इनलेट, मेन और ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो वाला वापस टैंक में लाने के लिए काम करता है डीजल को। अब इंजेक्टरों में अगर कमी आ गई तो हुआ क्या, 10 CC तेल आया, 2 CC तो यहाँ गया और बाकी का 8 CC यहाँ चला गया। तो इंजेक्टर अगर ख़राब हुए तो डीजल की सप्लाई यहाँ से तो आ रही है लेकिन फिर से वापसी से लौट रही है पूरी, तो वो प्रेशर जो है कहीं ना कहीं लीक हो रहा है अंदर से। आपका ये सारा सिस्टम रेल तक ठीक है लेकिन इंजेक्टर ख़राब हो गए, जो कि अक्सर होते हैं। अक्सर कमी इंजेक्टरों में ही आती है, पंप बहुत मुश्किल से ख़राब होता है, रेल के ये दोनों सेंसर बड़ी मुश्किल से ख़राब होते हैं, लिफ्ट पंप भी कभी कभी ख़राब होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो होता है इंजेक्टरों पे। तो वो इंजेक्टर जब वापसी देने लग जाते हैं तेल, तो लाइन में प्रेशर जो है रुकता ही नहीं है। अब वो प्रेशर रुकेगा नहीं तो प्रेशर सेंसर कहेगा यार प्रेशर फिर से कम आ रहा है, बनना चाहिए 300, बन रहा है 150। तो कहीं ना कहीं वो चेक इंजन लाइट आ जाएगी और बार बार आपको बताएगी लो प्रेशर। अब लो प्रेशर किस लिए है, इंजेक्टर है, रेल है, पंप है, लिफ्ट पंप है, वो फिर सारा बॉश के ऑथराइज सेंटर में ही चेक किया जाता है। टाइमिंग किस तरीके से देखी जाती है, कैसे सेट होती है इसमें, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। DRV प्रेशर सेंसर, इंजेक्टरों का क्या रोल होता है इसमें, ये भी मैंने आपको समझा दिया, और किस तरीके से दिक्कत इसमें आ सकती है ये भी मैंने आपको, जहाँ तक है मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है आपके लिए समझने में, बाकी सारी चीज़ें फील्ड की हो जाती हैं। तो इन डिवाइसेस में से किसी में भी कमी आ सकती है, हो सकता है इसमें कमी हो, प्रेशर सेंसर में, रेगुलेटर में कमी हो, पंप में कमी हो, इसमें कमी हो, या हो सकता है हमारा ECU का जो सर्किट है वो ओवरलोड के कारण ख़राब हो जाए। बहुत कॉमन मिस्टेक होती है ये, टाटा की 16-16 गाड़ी है, 16-13 गाड़ी है, उसमें ECU जो है, ECU को 12 वोल्ट चाहिए होते हैं। जब आप स्विच ऑन करते हो तो बैटरी से 12 वोल्ट सबसे पहले ECU को मिलते हैं, फिर ECU आगे सब में सप्लाई करता है। अक्सर सारे सेंसर 5 वोल्ट पे काम करते हैं। तो होता क्या है, उसमें 12 वोल्ट से ECU स्टार्ट होता है, अपना होश में आता है, काम करना चालू करता है। कई बार उस गाड़ी में, क्योंकि डबल बैटरी भी लगती है, कई ऐसी गाड़ियाँ हैं कि डबल बैटरी लगती हैं तो वो 24 वोल्ट बनाती हैं, तो ECU तक 12 वोल्ट पहुंचाने का काम करता है DC-DC कन्वर्टर। तो DC-DC कन्वर्टर जो है वो 24 से 12 में कन्वर्ट करता है और फिर आगे काम करता है। कई इलेक्ट्रीशियन जो हैं वो क्या कर देते हैं, DC-DC कन्वर्टर हटा देते हैं और वो 24 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट ECU को मिल रही है, तो ECU तो फूंक ही जाएगा। जो 12 वोल्ट पे जो चीज़ चलती है वो 24 की सप्लाई मिल गई तो फूंक जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उस कंडीशन में सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं कि यार दूसरा ECU चेंज करके देखते हैं। जैसे ही उसने दूसरा ECU लगाया, पता लगा वो ECU भी फूक गया, क्योंकि उसको सप्लाई मिल रही है 24 वोल्ट की, वो गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होती। फिर वो कहता है जी ECU की कमी नहीं है, ECU ओके है, हमने बदल के देख लिया। बल्कि होता क्या है, वो ECU भी फूका हुआ था और जो तुमने लगाया दूसरी गाड़ी का, बेचारा उसका नुकसान हो गया। ECU आता है कम से कम 20,000 से स्टार्ट होता है और फिर रेंज उसकी ख़त्म ही नहीं होती, बहुत महंगे महंगे ECU आते हैं। तो इसी लिए मैं हमेशा कहता हूँ, गाड़ी को हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक है BS3 से चालू हो गई है, हमेशा ऑथराइज सर्विस सेंटर पे दिखाएं, वरना नुकसान ही होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कैसी भी जो आप मुझसे पूछना चाहें, तो आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। और कोई भी टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, जैसे कई लोगों ने कहा है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए हैं, ये भी उनमें से किसी एक ने ही
कहा है हमारे सब्सक्राइबर में से कि इस CRDI सिस्टम बताओ, तो आज मैंने CRDI सिस्टम पे बनाई। बाकी जो भी आपको टॉपिक लगे या आपको जानना है उसके बारे में आप हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।